सऊदी अरब में काम कर रहे विदेशियों पर बुरा वक्त आने वाला है। इन विदेशियों में बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, जो यहाँ रोजगार की तलाश में गए हुए हैं। खबर है कि सऊदी सरकार ने सऊदी रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में नौकरी करने वालों या नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। सऊदी सरकार ने नौकरी के कई क्षेत्रों को सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित कर दिया है। अब इन नौकरियों पर केवल सऊदी नागरिकों को ही नौकरी मिल सकेगी। खबरों के मुताबिक सऊदी सरकार ने सऊदीजेशन के पहले चरण में दो क्षेत्रों में नौकरियों के दरवाजे विदेशियों के लिए बंद कर दिए हैं। अब इन क्षेत्रों में विदेशियों के लिए वीजा जारी नहीं किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सऊदीजेशन के इस चरण के तहत सरकार ने आदेश जारी किया है कि होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट के क्षेत्र में केवल सऊदी नागरिकों ही बहाल करना होगा। सऊदी श्रम मंत्रालय अब ऐसी नौकरियों के लिए वीजा जारी नहीं करेगा। इस आदेश पर अमल करना भी शुरू हो गया है। ये माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशियों को चरणबद्ध ढंग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनकी जगह सऊदी नागरिकों को बहाल किया जाएगा। हालांकि छोटे मोटे काम जैसे पोर्टर, ड्राइवर और गोट कीपर की भर्तियों को इससे अलग रखा गया है। सऊदी श्रम मंत्रालय ने सऊदीजेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सऊदीजेशन के इस मुहिम को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। पहले चरण में बड़े पदों पर काम करने वाले विदेशियों को छुट्टी कर स्थानीय नागरिकों को बहाल किया जाएगा और बाद में मिडिल कैटेगरी को नौकरियों पर भी सऊदी नागरिकों को बिठाया जाएगा। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि सरकार ने इन पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का भी रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, तभी से इस सल्तनत में कई सुधारवादी काम हुए हैं। विदेशियों पर रेजिडेंस शुल्क लगाया गया है, जिसकी वजह से हजारों भारतीयों ने अपने परिवारों को वहां से वापस भेज दिया है। सऊदीजेशन भी उसी सुधार की एक कड़ी है। इसकी एक वजह ये भी है कि सऊदी सरकार बेरोजगारी भत्ते के नाम पर अपने नागरिकों को एक बड़ी रकम देती है। अब वो इस रकम को खर्च करना नहीं चाहती, इसलिए वो टॉप और मिडिल लेवल की नौकरियों पर अपने नागरिकों का कब्जा देखना चाहती है। वैसे भी आर्थिक मंदी के प्रभाव से ये देश भी अछूता नहीं रहा है। आर्थिक मंदी की मार की वजह से कई हजार विदेशियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख भारतीय काम करते हैं। जाहिर है कि सऊदीजेशन का असर उन पर भी पड़ना लाजमी है। हालांकि सऊदी अरब तत्काल रूप से सभी नौकरियों से विदेशियों की छुट्टी नहीं करेंगे और न ही सभी नौकरियां विदेशियों के लिए वर्जित होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि सऊदी किंगडम ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने नागरिकों को बहुत दिनों तक बेरोजगारी भत्ता नहीं देगा। इसका खामियाजा इस देश में नौकरी कर रहे विदेशियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।